नमस्कार, वेलकम टू श्रवीज किचन। दोस्तों, आपके सामने आज मैं बैंगन का भरता शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आलू बैंगन का भरता बनाने के लिए हमने जो सामान लिया है वो है एक बैंगन। बैंगन को मैंने बॉईल कर लिया है, इसको पहले मैंने काट लिया फिर बॉईल किया है ताकि अगर इसमें कोई कीड़ा वगैरह हो तो वो पहले ही मुझे पता चल जाए। ये बॉईल किए हुए 7-8 आलू हैं, ये नमक है, कटी हुई हरी धनिया की पत्ती है, कटे हुए टमाटर हैं, तलने के लिए मस्टर्ड ऑयल है, ये छोटे टुकड़ों में कटी हुई अदरक है, ये 2 हरी मिर्च कटी हुई हैं, ये कटा हुआ प्याज है, ये छोटे बारीक टुकड़ों में कटा हुआ लहसुन है, ये हींग पाउडर है। मसालों में मैंने लिया है जीरा, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। सबसे पहले मैंने कढ़ाई लिया है और उसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। जब तक ये ऑयल गर्म होता है तब तक मैं बैंगन और आलू को मैश कर लेती हूँ। इस तरीके से इसका छिलका उतार लूँगी। देखिए, हमने बैंगन को मैश कर लिया है, आलू को भी मैश कर लिया है। बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं करने हैं मुझे, बस इसी तरीके से रखना है। अब इधर हमारा ये मस्टर्ड ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम थोड़ा जीरा डालेंगे, इसके बाद इसमें हम प्याज डालेंगे। कटी हरी मिर्च डालेंगे, अदरक भी डाल देंगे। अब इसमें हम कटे हुए लहसुन डालेंगे। लहसुन मैंने बाद में डाला है क्योंकि लहसुन बहुत जल्दी पकता है, प्याज थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए मैंने प्याज को पहले ही डाल दिया था। अब इसमें हम थोड़ा हींग पाउडर डालेंगे और इसको थोड़ी देर पकाएंगे। प्याज हमारी हल्की ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। देर हम टमाटर को पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें आलू बैंगन डालेंगे। टमाटर के हल्के पक जाने पर हम इसमें आलू और ये बैंगन डाल देंगे। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा ये गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और लास्ट में ये अंदाज के नमक डालेंगे। फिर इसको हम अच्छे से मैश करते हुए चलाएंगे। काफ़ी अच्छे से भुन चुका है ये, इसमें सारे मसाले सारी सामग्रियाँ इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें थोड़ी हरी धनिया डालेंगे,
आधी धनिया मैं बचा के रखूंगी ऊपर से गार्निश करने के लिए। अब ये बैंगन का भरता तैयार है सर्विंग बोल में आने के लिए, तो इसको हम बाहर निकालते हैं। ये देखिए बैंगन का भरता एकदम तैयार है। यह पूड़ी पराठे दाल चावल सभी के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।